इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो स्मार्ट वॉच है वो हमारे फोन से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे नॉइस कंपनी का स्मार्ट वॉच है और हम इस स्मार्ट वॉच को हम अपने फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कनेक्ट ही नहीं होता है, लुकिंग फॉर योर डिवाइस यही लिखा हुआ आता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मॉडल है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको टैप करेंगे तो हमारा स्मार्ट वॉच जो हमारे फोन से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या क्या है, जैसे हम अपने स्मार्ट वॉच को हम अपने फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये ऑप्शन ही नहीं आता कनेक्ट करने के लिए और कनेक्ट ही नहीं होता है। बहुत सारे जो है मैंने ऑप्शन ट्राई कर लिए लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों का भी स्मार्ट वॉच में ये वाला प्रॉब्लम है, आप जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने फोन से, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में आप लोगों को फुल प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप लोगों का जो स्मार्ट वॉच आपके फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा तो आखिरकार क्या आप लोगों को करना है ताकि जो एक बार में ही कनेक्ट हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नो टाइम वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को नॉइस स्मार्ट वॉच से रिलेटेड कुछ और सेटिंग्स के बारे में जानकारी चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम है तो अभी हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको रिप्लाई तुरंत ही मिल जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो 110% सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर आप लोगों का स्मार्ट वॉच जो है आपके फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा तो इसका आखिरकार सॉल्यूशन क्या है। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का आपका स्मार्ट वॉच जो है आपके फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा तो सबसे पहले आप अपने जो स्मार्ट वॉच को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स सिंपल से आप लोगों को क्या करना, सेटिंग्स पे जाना। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहां पे देख सकते हो रीसेट का एक ऑप्शन है, यहां पे देख सकते हो, तो जस्ट आप लोगों को रीसेट पे क्लिक करना है। यहां पे देख सकते हो रीसेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रीसेट का ऑप्शन है तो इस पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम अपने वॉच को जो है सबसे पहले हम लोग जो है रीसेट करेंगे। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो वॉच है ये देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा जो वॉच है वो सक्सेसफुली फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो रीसेट हो चुका है और ये बाय डिफॉल्ट में आ चुका है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हो रीसेट हो चुका है, अभी हमारा जो वॉच है वो अभी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो अभी फ्रेंड्स आ जाना आपके स्मार्टफोन में, ठीक है, आपके स्मार्टफोन में आ जाना और सिंपल से आप लोगों को आपका गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना और पहले जो आपका ये एप्लीकेशन है नॉइस फिट वाला, ठीक है, उसको सबसे पहले आप लोगों को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा ये ऑलरेडी ये इंस्टॉल है तो मैं क्या करूंगा इसको जो है सबसे पहले अनइंस्टॉल करूंगा, अनइंस्टॉल करके मैं इसको जो है फिर से इंस्टॉल करूंगा। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस तरीके की मदद से फ्रेंड्स 110% आपका स्मार्ट वॉच एक बार में ही कनेक्ट होगा। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो चुका है, तो चलो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को जो सेटअप वगैरह करना पड़ेगा तब जाके आपका जो है कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इसका जो चेक बॉक्स है इसको मार्क कीजिए और इसका टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोसेस को यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को आपका जो जीमेल आईडी है उससे आप लोग जो यहाँ पे लॉगिन हो जाइए। तो मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास जो जीमेल आईडी है उससे मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लुकिंग फॉर योर डिवाइस के लिए बोला जा रहा, तो अभी क्या करना, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होता है मैं आप लोगों को बता दें। यहाँ पे जो परमिशन वगैरह मांगते हैं वो डिले हो जाने के कारण या डोंट अलाउ हो जाने के कारण फ्रेंड्स जो हमारा वॉच कनेक्ट नहीं होता है। इसीलिए फ्रेंड्स हमारा जितना सारा भी परमिशन है ऊपर वाला आप लोगों को क्लिक करना और सभी परमिशन को आप लोगों को अलाउ करना पड़ेगा तब जाके आपका स्मार्ट वॉच एक बार में ही कनेक्ट लेगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ चुका आइकन बज, यहाँ पे देख सकते हो मॉडल आ चुका। आप लोगों को जो QR के थ्रू याद रहे फ्रेंड्स कभी भी कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग जो है QR के थ्रू इस तरीके से स्कैन करके कनेक्ट करोगे तो कभी भी कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो वॉच है वो अपडेट हो जाता है, एप्लीकेशन भी अपडेट हो जाता है, तो इसलिए नहीं होता है। तो आप लोगों को जो है यहां पे नीचे ही आ जाएगा, मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं, उसी से आप लोगों को जो है कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप लोगों को वेट करना है यहां पे थोड़ा सा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आ चुका है नीचे, यहाँ पे देख सकते हो आइकन बज आ चुका है, तो सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वॉच है और हमारा जो स्मार्टफोन है वो एक दूसरे को पेयरिंग करने की कोशिश कर रहा है और सक्सेसफुली फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो वॉच है वो सक्सेसफुली हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है, हमारे फोन से कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्किप वगैरह करने के लिए आता है और हमारा जो वॉच है यहाँ पे देख सकते हो सेटअप वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग अपने वॉच पे स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस जो है वहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए इसको सिंपल से आप लोग जो प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए और एक बार बैक आ जाइए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो अभी जो आपका वॉच है वो आपके फोन से 110% जो है अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका जो वॉच है वो अभी आपके स्मार्टफोन से जो कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों का भी स्मार्ट वॉच आपके फोन से कनेक्ट ही नहीं हो रहा तो मैंने आप लोगों को जो इस वीडियो में प्रोसेस बताया इस प्रोसेस को आप लोग कीजिए तो आपका जो वॉच है वो 110% एक बार में ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से यूज करके आप लोग जो है अपने वॉच को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो और आप अपने वॉच का जो है मजा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो घंटे का आइकन है उसको तो जरूर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग मोबाइल वाला जॉन।